नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको जो सात मुंह वाला सांप है। हाँ जी हाँ दोस्तों, सात मुंह वाला सांप, उसके बारे में बात करूंगा, कुछ यूट्यूब के बारे में बात करूंगा। तो चलिए वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये सात मुंह वाला सांप जो है वायरल जो हो रहा है फेसबुक ट्विटर पर, ये क्या असली है क्या नकली है दोस्तों? तो दोस्तों, आपको हो सकता है पता लग गया हो, नहीं भी पता लगा हो तो मैं बता देता हूँ, ये टोटली नकली है, फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों। ये कोई कई लोगों ने इसके प्रिंट निकाल लिए, पूजा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि विष्णु भगवान का अवतार है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं, पहली बार सात मुंह वाला ये सांप ही नहीं है। जनरली क्या है दोस्तों, एक मुंह वाला सांप ही है। तो रास्ते में जैसे दिख गया हो, किसी को भीड़ लग जाती है दोस्तों, आपको पता ही, देखने के लिए, तो किसी ने फोटो क्लिक कर ली और वो जो एक मुंह वाला सांप था उसके सात मुंह कर दिए, फोटोशॉप के थ्रू कर दिया, या तो कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं उसके थ्रू, उसने क्या करा, एडिटिंग करके उसको सात मुंह वाला कर दिया। तो लोग रियल बैठे, रियल मान लिया, उन्होंने बोला कि भैया ये तो विष्णु भगवान के अवतार है। तो ये टोटली गलत है दोस्तों। अभी तक दुनिया में जो है किसी ने सात मुंह वाला सांप नहीं देखा है, ये टोटली फेक है। तो इस बात को बिल्कुल यकीन ना करें। अभी हाल ही में बहुत वायरल हो रहा है फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, ट्रेंडिंग पर है। तो इस टाइप की चीज़ें टोटली फेक चीज़ें क्या देखना दोस्तों, है ना, ये टोटली फेक है। चलिए दोस्तों, ये मुद्दा हटाइए, हम दूसरे मुद्दे बात करें तो यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के बारे में बात करें दोस्तों, आप कोई भी वीडियो जैसे कभी कभी क्लिक करते हो तो उसमें आप देखते हो एड आती है, वो भी 30 सेकंड की एड आती है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो यूट्यूब दोस्तों अगले साल से ये लाने वाला है कि वो एड जो है बंद कर देगा, उसी जगह कोई नया फॉर्मेट लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी यूट्यूब ने क्या हाल ही में सर्वे किया था, तो उसमें पाया गया कि लोगों को पसंद नहीं है 30 सेकंड वाली एड, कईयों को नहीं देखना है, पसंद नहीं आ रही है, बोरियत हो रही है और लंबी एड है, किसी को नहीं देखना। तो यूट्यूब उनके लिए क्या करने वाला है कि वो नया फॉर्मेट लाएगा, या तो वो 30 सेकंड वाली एड को 20 सेकंड कर सकता है, 15 सेकंड भी कर सकता है, जो कि अभी अगले साल से होगा दोस्तों, अभी नहीं होगा। तो बाकी एक एड और आती है उसमें आपने देखा स्किप कर सकते हो, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो चलेगी, लेकिन ये वाली जो एड है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, 30 सेकंड वाली कंपलसरी देखना, उस पर यूट्यूब विचार कर रहा है बंद करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रही बात है एड की। अब दूसरी बात करें दोस्तों, जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, तो आप देखिएगा कुछ कमेंट्स बॉक्स में उनके ऐसा आ रहा है कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा, या तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मैं आपको 2 सब्सक्राइबर दूंगा। तो ये टोटली गलत है दोस्तों, यूट्यूब की नज़रों में ये गलत है। तो ऐसे चैनल हैं जिनमें ऐसे कमेंट्स पाए गए थे, तो यूट्यूब ने उनको क्या कर स्ट्राइक दिया, और 3 महीने के लिए उनका जो है टेम्प्रेरी ब्लॉक कर दिया, क्या कमेंट सेक्शन 3 महीने के लिए टेम्प्रेरी डिसेबल कर दिया। तो दोस्तों इससे बचने के लिए, ऐसा तो लोग कमेंट्स करते ही रहेंगे, इनसे बचने के लिए यूट्यूब ने क्या किया है, आप अगर देखेंगे तो कम्युनिटी सेटिंग में क्या करा है कि उसमें ब्लॉक करने के लिए वर्ड दिया हुआ है। आप इस टाइप के वर्ड को क्या करिए, आप उसमें टाइप कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए, तो ऑलरेडी वो फिल्टर कर लेगा और इस टाइप के जो कमेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। तो आप इससे बच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कमेंट्स अगर यूट्यूब ने देखा तो आपका टेम्प्रेरी जो है कमेंट्स बॉक्स 3 महीने के लिए ब्लॉक कर सकता है। और अगर आपने तब भी इसमें कम्युनिटी सेटिंग में जाके जैसे मैंने बताया वैसे नहीं किया, और 3 महीने बाद भी ऐसा आते रहा, तो हो सकता है कोई दूसरा कदम उठाए, आपका चैनल बंद भी कर सकता है और भी कुछ डीमोनेटाइजेशन भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये मैंने यूट्यूबर्स के लिए बता दिया कि इससे थोड़ा सा बच के रहें आप, और सिंपल जो है वीडियो बनाएं और इस टाइप के कमेंट से बचें आप, है ना। तो दोस्तों इधर ही छोटा सा वीडियो था, इधर ही मेरा वीडियो ये खत्म होता है। मैंने आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी देनी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और कुछ नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी साथ मेरा वीडियो खत्म होता है, कल फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इसी साथ देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज फॉर इंडियन।